चाय. जैसे आपको तो अभी नहीं पता है कि मैं आपको सब बता रही हूँ कि मैं सब शहरों में जा रही हूँ, इंडिया के शहरों में ऑलमोस्ट 85 सिटीज. बॉम्बे इज द नंबर 15 या 16, पागल हो गई, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है. बट द सेम थिंग आई एम सेइंग टू एवरीबॉडी, मी एज अ रोल मॉडल और बीइंग अ सेलिब्रिटी, जब हम कई बार बात करते हैं तो लोग सुनते हैं, जब आप तो हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. स्पेशली जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, जैसे कि इंडिया है, ये करियर जैसे कि डिज़ाइनिंग हो या इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, कई बार ऐसे लोग इसके ऊपर ऐसे सोचते हैं कि ये सीरियस नहीं है. यू नो, बीइंग इंजीनियर और बीइंग अ डॉक्टर समथिंग विच इज मोर टेकन और लुक अपॉन एज अ सीरियस मैटर. बॉम्बे में भी नॉट सो मच एज इन द अदर स्मॉल सेक्टर्स which I have been to and I have visited. But I always say that, you know, the youth, which is our, in our country, is the future of tomorrow. जब आप इंडिया के बाहर भी जाते हो, ज़्यादातर जब आप लोगों से मिलते भी हो, उनके देश में ज़्यादातर यही होता है कि वो अपने यूथ को और जो वहाँ के बच्चे हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत मोटिवेट करते हैं. इफ इट्स पॉलिटिक, इफ इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ करियर्स और व्हाटएवर इट इज. सो आज इज इन लंदन, ही इज डिजाइन प्लेस ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड वाइड, यानी सुन जो बोलो वो रहते ही वहाँ हैं. तो दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ जिसके पास ये कला होती है उनको मोटिवेट करना, उनको सपोर्ट करना, इंस्टीट्यूट्स खोलना. यू नो, इट्स फर्ज बनता है या हमारा काम है या विश्व, यू नो, प्रमोट दीज इंस्टीट्यूट दीज थिंग्स. इफ इट्स आज की डेट में अगर लोग बोलते कि नहीं हमारा घर है हमको डिज़ाइन करेंगे, नहीं मेरे कपड़े मैं टेलर के पास ले जाऊँगी. इन टुडेज इट्स नॉट लाइक दैट. क्योंकि 3 साल का ये कोर्स होता ही ना. अगर आप लोगों के पास कभी भी 5 मिनट भी होंगे तो प्लीज़ गो एंड लुक एट दिस चिल्ड्रन एंड हाउ दे आर स्टडी, उनको क्या क्या सिखाया जाता है, 3 साल में कैसे प्लानिंग की जाती है, कैसे ड्राइंग सिखाई जाती है, विच इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग और इन दिस कंट्री. एंड सेकेंड एंड ऑल बिकॉज द आर्किटेक्चर एंड द कल्चर वी हैव, एवरीबॉडी इन द हाउस अब्रॉड हैज समथिंग इंडियन, हु हैज वन रूम विच इज लाइक एन इंडियन थिंग विद लाइक लेटेस्ट फैशन. So that's again I'm saying, आप लोग जो मीडिया हैं, प्रेस वाले हैं, हम लोग जो सेलिब्रिटीज हैं, प्लीज यूज दैट पावर बिकॉज इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और जब आप लिखोगे कि प्लीज ये लोग पीपल हुआ रीडिंग है, दैट दीज टू करियर्स यू शुड डेफिनेटली डेफिनेटली. थैंक यू सो मच फॉर.